सब्सक्राइब करें माय आर्ट चैनल को और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हर नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको बैक नेक डिजाइन बनाना बता रही हूँ और इस डिजाइन को आप अपने सूट में, अपने ब्लाउज पर या अपने किसी भी ड्रेस पर बना सकते हैं। और ये डिजाइन आप आगे की तरफ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप आगे की तरफ ये डिजाइन बना रही हैं तो उसकी लंबाई आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रखें, यानी आप आगे के जितने गले पहनते हैं उतनी ही उसकी लंबाई रखें। इसके लिए हम सबसे पहले बुकरम के ऊपर गले की कटिंग करते हैं। तो ये मैंने बुकरम ली हुई है और डबल करके इसकी चौड़ाई आप 5.5 इंच तक रख सकते हैं और इसकी जो लंबाई है वो आप 10.5 या 11 इंच तक रख सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं ये ऊपर से बोट नेक बना रही हूँ, तो इसकी चौड़ाई हमें 4.5 इंच रखनी है। यहाँ पर हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे और एक निशान हम 3 इंच पर लगाएंगे, फिर यहाँ पर भी 4.5 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इसके बाद हम यहाँ से जितने भी आप गले पहनते हैं, यानी जितनी गहराई आप गले की पहनते हैं उतनी गहराई पर आप निशान लगाएं। तो मेरे कई सब्सक्राइबर ये बोलते हैं कि ये लंबाई हमें ज़्यादा रह जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम केवल डिज़ाइन बताते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसकी लंबाई और चौड़ाई रख सकते हैं। तो ये निशान मैं 9 इंच पर लगा रही हूँ और अगर आप इससे छोटे गले पहनते हैं तो आप इसको उसी हिसाब से इसके ऊपर निशान लगाएं। इसके बाद हम यहाँ पर भी एक 3 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी एक 3 इंच का निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। ये निशान लगाने के बाद हम पहले यहाँ पर इसको इस तरह से गोलाई देंगे और ये गोलाई देने के बाद हम यहाँ से थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए और देखिए यहाँ पर इस जगह पर हम 1 इंच या इससे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से लाते हुए इसमें मिला देंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद हम करीब 1/2 इंच पर पूरे गले के ऊपर निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये कटिंग करने के बाद हम अपना कपड़ा लेते हैं और उसको कपड़े के ऊपर इस तरह से रखते हैं और पहले हम इसके ऊपर देखिए 9 इंच का एक निशान लगाएंगे, क्योंकि डबल करके इसकी चौड़ाई 4.5 इंच है तो खोलने के बाद ये 9 इंच होगी। तो पहले हम इस तरह से इसके ऊपर निशान लगाएंगे और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली है तो आप इस तरह से निशान लगा के इसको रखिए और प्रेस से चिपका लीजिए, लेकिन अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप ऐसे रखिए और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। इसके बाद हम थोड़ा बाहर बाहर से
चारों तरफ से इसकी कटिंग करते हैं। ये कटिंग करने के बाद हम एक कट यहाँ पर लगाते हैं, एक कट यहाँ पर लगाते हैं और एक कट यहाँ पर लगाते हैं। ये कट लगाने के बाद हम इसको चारों तरफ से इस तरह से मोड़ते हुए किनारे से थोड़ा सा हटके इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। ये मैंने अस्तर का कपड़ा लगाया हुआ है, यानी लाइनिंग का कपड़ा है। चारों तरफ से इसको मोड़ने के बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं। और इसके बीच में एक निशान लगाते हैं। और यहाँ पर एक कट लगाते हैं। इसके बाद हम अपना कपड़ा लेते हैं, यानी सूट या ब्लाउज जिसके ऊपर भी हमें ये गला बनाना है, उसको हम सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं। और उसमें भी हम एक निशान लगाते हैं बीच में। और यहाँ पर एक कट लगाते हैं। इसके बाद हम ये दोनों कट मिलाते हुए और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। बीच में ही सिलाई लगाने के बाद हम पूरे गले के ऊपर बुकरम के बिल्कुल बराबर में सिलाई लगाते चले जाएंगे। चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा बाहर बाहर से इसकी कटिंग कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक कट लगाएंगे और फिर चारों तरफ से हम इसकी भी इसी तरह से कटिंग कर देंगे। ये कटिंग करने के बाद हम पूरे गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगाएंगे। हमें ये ध्यान रखना है हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। यहाँ पर एक कट लगाएंगे। ये कट लगाने के बाद हम अपने गले को पलटते हैं। पहले हम ये कॉर्नर निकाल लेते हैं। आप किसी भी चीज़ से ये कॉर्नर निकाल लीजिए पहले, दोनों साइड से कॉर्नर निकालने के बाद हम अपने गले को इस तरह से पलटते हैं। और पलटने के बाद आप इसके ऊपर पहले प्रेस कर ले और ये बीच में हमारा जो कॉर्नर है इसको भी हम इसी तरह से निकाल लेते हैं। गले को पलटने के बाद हम गले के बिल्कुल किनारे पर पूरे गले के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद देखिए ये मैंने हाथ से मोती लगा दिए हैं। आप इस तरह से मोती भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैं सुई से ये हिस्सा आपस में जोड़ रही हूँ। आप इसकी जगह डोरी भी यूज कर सकते हैं, यानी यहाँ पर डोरी भी आप लगा सकते हैं।
इस तरह से इसको आप मिला दीजिए दोनों हिस्से और इनको पक्का कर दीजिए। और इसके देखिए उल्टी तरफ हम तुरपाई कर लेंगे और इस तरह से हमारा गला तैयार हो गया है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। One, 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 one,